अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आज जो है वो अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस लेक्चर में आप जो है जानेंगे कि एलिमेंट्स की अरेंजमेंट जो है पीरियड्स में और ग्रुप में किस तरह हुई थी। अब जो है लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है थोड़ा सा इंट्रो पढ़ा था, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था। वो अगर लेक्चर आपने नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लेक्चर मिल जाएगा, प्रोवाइड होगा, तो आप क्लिक करें और वहां से वो लेक्चर देखें। इसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को भी कम्प्लीट देखें। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि डॉब्रन ट्रेट था, साइंटिस्ट फर्स्ट साइंटिस्ट डॉब्रन ट्रेट था जिन्होंने तीन ग्रुप्स की एलिमेंट्स के बेस पर जो है एलिमेंट्स की जो है अरेंजमेंट दी थी। इसके बाद सेकंड साइंटिस्ट था जिनका नाम जो है न्यूलैंड था, उन्होंने आठ ग्रुप्स की एलिमेंट्स की अरेंजमेंट दी थी। इसके बाद जो साइंटिस्ट है जिनका नाम मेंडलीफ है, उन्होंने एटॉमिक मास की बेस पर जो है एलिमेंट्स की अरेंजमेंट दी थी। एंड द लास्ट साइंटिस्ट इज एच मोजले, जिन्होंने जो एटॉमिक नंबर की बेस पर जो है एलिमेंट्स की अरेंजमेंट जो है वो दी थी। फर्दर इसके बाद जो साइंटिस्ट आए उन्होंने डिटेल में जो है वो बताया है, लेकिन एटॉमिक नंबर की बेस पर जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट दी है वो एच मोजले ने दी है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास किस तरह का आया है और किस किस बेस पर उनके पीरियड्स और ग्रुप में इनकी अरेंजमेंट हो गई थी। मेंडलीफ तो बता चुका था, मेंडलीफ ने बता दिया था कि एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट है वो हॉरिजॉन्टल होंगी, लाइक हॉरिजॉन्टल पीरियड्स में होंगी एंड अप टू डाउन जो है वो ग्रुप्स में होंगी। ये मेंडलीफ आपको बता के गया था, लेकिन वो एटॉमिक मास के बेस पे बता के गया था, वो एटॉमिक नंबर की बेस पर नहीं बताया था। वो किसने बताया, वो एच मोजले ने जो है हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपने याद रखना है, जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीज हो रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की है। जिसे कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन जो है वो उसका वन एटॉमिक नंबर, इसके बाद हीलियम का टू है, लिथियम का थ्री है, बेरिलियम का फोर है। देखिए एटॉमिक नंबर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं और एलिमेंट्स की अरेंजमेंट जो है इसी बेस पर की गई थी। इसके बाद जो है इनका रेगुलर इंटरवल होगा। रेगुलर इंटरवल का मतलब कि ये जो है बिल्कुल सीक्वेंस पे किया गया है कि हाइड्रोजन के बाद वन, फिर हीलियम टू, लिथियम थ्री, बेरिलियम फोर। तो ये बिल्कुल एक रेगुलर इंटरवल में जो है इसकी अरेंजमेंट की गई थी। ठीक है, इसके बाद जो है याद रखना है कि इसकी जो है सेवन जो है हॉरिजॉन्टल रोज है, सेवन हॉरिजॉन्टल रोज है, रोज ये देखिए सेवन क्या है, हॉरिजॉन्टल रोज है, और इसकी जो है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सो ऑन 18 तक जो है इसके ग्रुप्स जो है वो है। आपने याद रखना है कि फर्स्ट एलिमेंट को हमने क्या कहा है, फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारे पास क्या है, अल्कली मेटल है। ठीक है, और जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसको हमने क्या कहा है, नोबल गैसेस क्या है। ये देखिए लास्ट वाली क्या है, नोबल गैसेस है। मूव टू वर्ड अप आवर स्लाइड्स। तो अब देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स की अरेंजमेंट किस बेस पर हुई थी, अभी मैंने आपको बताया है एटॉमिक नंबर की बेस पर जो है इसकी अरेंजमेंट हुई थी। जैसे जैसे एलिमेंट जो है इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे उनके एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, उनकी अरेंजमेंट इसी बेस पे जो है हमें की गई थी। इसके बाद जो है कह रहे एक रेगुलर इंटरवल, मतलब कि एक पीरियोडिक अरेंजमेंट में जो है इसकी अरेंजमेंट जो है एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की थी। अब रेगुलर इंटरवल मैंने बताया, जैसे कि हाइड्रोजन जो है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, इसके बाद हीलियम है, ये एक बिल्कुल रेगुलर इंटरवल में जो है इसकी अरेंजमेंट जो है वो की गई थी। ठीक है, जो हाईलाइट है उनको जरा अच्छे तरीके से उनको रीड आउट करें ताकि आपको लेक्चर की जो है बिल्कुल समझ आए। एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड सिमिलर कॉन्फ़िगरेशंस आर प्लेस इन द सेम ग्रुप। ठीक है, ये हम देखेंगे कि सिमिलर प्रॉपर्टीज और सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या चीज है, इसका क्या मीनिंग है। इधर तो ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ने से जो है पहले मैं आपको पीरियोडिक टेबल की तरफ लेके जाती हूँ और इसके बारे में कुछ चीजें आपको बताते हैं। ये पूरा जो है पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर की बेस पर जो है वो अरेंज किया गया था, ये तो आपको मैंने बताया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एटॉमिक नंबर पे बेस करती है, कि एटॉमिक नंबर पे हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पे बेस करती है, एटॉमिक नंबर पे। पीछे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आए हैं एलिमेंट्स की, वो किस पर बेस थी, एटॉमिक नंबर पे बेस थी।
ठीक है। और जो है इसी बेस पर जो है आपको आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पीरियोडिसिटी मिलेगी। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपकी पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको पीरियोडिसिटी, मतलब कि आपकी बिल्कुल तरतीब में आपको आपका पीरियोडिक टेबल मिलेगा। उसकी प्रॉपर्टी भी आपको पीरियोडिसिटी मतलब कि तरतीब में जो है आपको वाजे तौर पर नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद राइट, अब जो है हम मूव करते हैं कि पीरियड्स जो हैं वो किसको कहते हैं। पीरियड्स जो हैं, पीरियड्स जैसे लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में आपको बताया है कि रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है एलिमेंट्स के अरेंजमेंट एटॉमिक नंबर पे बेस करती है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हमें क्या बता रहा है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की इंफॉर्मेशन जो है वो बता रहा है। अब पीरियड्स और ग्रुप्स क्या है वो हम देखते हैं। पीरियड्स जो है ये क्या है, हाइड्रोजन से हीलियम जो लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं वो क्या है, पीरियड्स हैं। पीरियड्स की डेफिनेशन या पीरियड्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल रोज इन अ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज होंगी हॉरिजॉन्टल लाइक इस तरह रोज होंगी उनको हम क्या कहेंगे, पीरियड्स कहेंगे। ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, जैसे कि हाइड्रोजन जो है वो कंटिन्यूसली इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसके बाद हीलियम का 2 है एंड सो ऑन, लिथियम का 3 है, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो रही है और इनका एटॉमिक नंबर भी जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर जो चेंज हो रहा है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो रही है, जैसे कि हाइड्रोजन 1s2 है, इसके बाद हीलियम 1 हाइड्रोजन 1s1 है और हीलियम 1s2 है एंड लिथियम जो है वो 1s लिथियम क्या है, लिथियम का आपको बना के दिखाते हैं, लिथियम इज इक्वल टू 1s2 एंड 2s1 जो है वो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। और देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब हर एलिमेंट्स में की जो प्रॉपर्टी है वो लेफ्ट राइट क्या होगी, चेंज होगी, चेंज होगी, ठीक है। अब जो है वो कह रहे हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिसाइड करता है हमारी पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियड। पोजीशन ऑफ एलिमेंट जो है वो डिसाइड करता है एंड द वैलेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या कहता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या। जैसे कि मैं आपको एक एटॉमिक जो है वो स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ, ये आपके पास जो है स्ट्रक्चर है, लाइक यहाँ पे क्या है, दो जो है इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो है शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, मीन मैंने लिथियम का आपको बना दिया है एंड द वैलेंस शेल कहलाएगा आपका आउटर मोस्ट शेल। वैलेंस शेल क्या कहलाएगा, आउटर मोस्ट शेल, आखिरी शेल को हम वैलेंस शेल कहेंगे, वो आपके आपके पीरियोडिक टेबल में जो है पोजीशन को बताएगा। मतलब कहने का मतलब है कि आपका अगर इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब जिनके एक इलेक्ट्रॉन होगा वो लेफ्ट टू लेफ्ट की तरफ ज्यादा पाया जाएगा, मतलब कि कम जिस आउटर मोस्ट शेल में कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो लेफ्ट की तरफ पाया जाएगा। जैसे हाइड्रोजन के जो है 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद सोल लिथियम है, हमारे पास ब्रिलियम है, इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इनके वैलेंस शेल में क्या इलेक्ट्रॉन कम से कम है, इसलिए ये लेफ्ट की तरफ पाए जाएंगे। अब देखें यहाँ पे जो देखें राइट की तरफ वो पाए जाएंगे जिनके जो है वैलेंस शेल में, मीन आउटर मोस्ट शेल में जो है ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे हीलियम का इलेक्ट्रॉन, नियोम के, आर्गन के जो इलेक्ट्रॉन है इनके आउटर मोस्ट शेल में वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मीन कि इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब नोबल गैसेस किसे कहते हैं, नोबल गैसेस उन्हें कहते हैं जो कि स्टेबल होती है, लाइक ना ही वो किसी के साथ जो है इनके इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इनका शेल जो है वो बिल्कुल कम्प्लीटली फिल होता है, ना ही वो किसी के साथ लेता देता कुछ भी नहीं है, अपना शेल इनका क्या होता है, कम्प्लीट होता है, और इनको हम क्या कहेंगे, स्टेबल कहेंगे। इसके बाद हम मूव करते हैं, ठीक है। अब देखें अब हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स क्या होती हैं। अब ग्रुप्स क्या होती हैं वो हम पीरियड टेबल में देखेंगे। ग्रुप्स जो हैं वो बेसिक जो हैं
कहते हैं कि वर्टिकल कॉलम्स को हम इन पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम है, अब कॉलम जो है वो इस तरह होता है, अप टू डाउन होता है, उनको हम क्या कहेंगे, वो ग्रुप्स कहेंगे। अब ग्रुप्स की जो नंबरिंग जो है, वैसे तो अप टू डाउन मूव हो रहा है, लेकिन नंबरिंग इसकी क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब कि लेफ्ट टू राइट क्या है, इसकी नंबरिंग दी गई है। जैसे 1, 2 ये वाला पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप ये है, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सो ऑन 18 तक जो है वो ग्रुप होंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो है, अब ग्रुप में लाइक अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, ग्रुप की बात कर रही हूँ, तो आपने जो है पीरियोडिक टेबल में जब देखना है तो कब कहाँ देखना है, अप टू डाउन देखना है। तो ये आपने चीज जो है मस्त आपने दिमाग में रखनी है, कहाँ देखना है, अप टू डाउन देखना है। इसका मतलब एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज जो है वो नहीं हो रहा, बल्कि हाइड्रोजन का 1 है तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है। इसके बाद सोडियम का देखें 11 है, पोटाशियम का 19 है, रुबेडियम का 37 है, एलसीसियम का जो है 55 है, एंड सो इनफ्रेंसियम का 87 है। देखें इनके एटॉमिक नंबर में कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, इसका मतलब इरेगुलर जो है अरेंजमेंट है, रेपिटेशन है, ठीक है। मतलब कि इरेगुलर का मतलब है कोई तरतीब में जो है वो नहीं है। तो ये जो है ये याद रखना है कि ग्रुप्स में क्या होंगी, कंटिन्यूसली चेंज नहीं होंगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है वो सिमिलर होगी। अब सिमिलर कैसे होगी, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सिमिलर ऐसे होगी कि हाइड्रोजन के जो है लाइक एक ही जो है वैलेंस शेल में जो है एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब वैलेंस शेल मतलब कि आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, लिथियम के भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, सोडियम के भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, पोटाशियम के भी, और रुबेडियम के, और सीजियम, एंड सो ऑन। ऐसे नेक्स्ट मूव करेंगे सेकंड ग्रुप मेन के सेकंड ग्रुप की तरफ मूव कर रहे हैं तो ब्रिलियम के जैसे के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एंड सो ऑन थर्ड ग्रुप में 3, फोर्थ में 5, इस तरह जो है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो है लाइक वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो है इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो पाए जाएंगे, ठीक है। वैलेंस शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो पाए जाएंगे। अब जो है इसका मतलब है कि इसका जो है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे, ग्रुप में क्या होंगे, सेम होंगे, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी सिमिलर जो है वो पाई जाएगी, ठीक है। अब देखें, अब जो है हम नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं आगे जो है कौन सी स्लाइड है। तो यही कह रहे हैं कि फर्स्ट ग्रुप में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और सिमिलरली ग्रुप 2 में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। इट इज रीजन ड्यू टू विच एलिमेंट ग्रुप हैव अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। कहने का मतलब है कि पीरियड्स में जो है, पीरियड्स, अब मैं पीरियड्स की बात कर रही हूँ तो लेफ्ट टू राइट देखने हैं, इसमें जो प्रॉपर्टीज क्या होंगी वो डिफरेंट पाए जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेकिन ग्रुप में जो है प्रॉपर्टी वो क्या है, सेम जो है वो पाई जाएगी। तो आज के लेक्चर में हम जो है इतना ही रीड करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है, तो इसलिए साइलेंट फीचर, और नेक्स्ट जो है हम इसके बाद ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स के बारे में अगले लेक्चर में जो है वो पढ़ेंगे। तो आज जो है इसको थोड़ा समराइज कर देते हैं, हमने क्या 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 पढ़ा है। हमने एलिमेंट्स की अरेंजमेंट देखी है, वो किस में देखी है, ग्रुप्स में देखी है और पीरियड्स में देखी है। ग्रुप्स में क्या होगा, एटॉमिक नंबर जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं हो रहा, इसकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी है। और पीरियड्स में जो है वो क्या है, पीरियड्स में जो है इसकी इसका एटॉमिक नंबर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, और जो है इसकी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो आपको अरेंजमेंट के बारे में पता चल गया होगा, इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके साइलेंट फीचर पढ़ेंगे और साथ में ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना, चैनल को जो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो है आगे शेयर करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।